हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज की वीडियो में हम पोएट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट टू कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो आपको पहले वो वीडियो देखनी है, तभी आपको आज जो भी पढ़ाया जाएगा समझ में आएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड। तो अभी हम बात कर रहे हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स के मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में बताया है कि पोएट्स एंड पैनकेक्स इस चैप्टर में आपको एक स्टूडियो के बारे में जानने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री स्टूडियो जिसका नाम था जेमिनी स्टूडियो, राइट। इस स्टूडियो में दो डिपार्टमेंट थे, एक डिपार्टमेंट मेकअप वालों का था, दूसरा था राइटर्स वालों का। इसीलिए चैप्टर का टाइटल भी पोएट्स एंड पैनकेक्स है। ऑलराइट, तो अभी हम बात करेंगे मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में। तो अगर हम मेकअप डिपार्टमेंट की बात करें ना, मेकअप डिपार्टमेंट में प्रॉपर एकदम स्ट्रिक्ट हायरार्की होती थी। लेकिन अगर हम राइटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मतलब जो पोएट्स का डिपार्टमेंट था, क्या उसमें हायरार्की थी? बिल्कुल थी, उसमें भी हायरार्की थी। तो ये जो जेमिनी स्टूडियो है, इसमें दो जो डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्ट हायरार्की थी। तो जैसे कि अगर हम मेकअप डिपार्टमेंट की बात करें, तो मेकअप डिपार्टमेंट में सबसे पहला मेन कौन होता था? जो चीफ मेकअप मैन होता था, होता है ना, एक चीफ होता है, एक हेड होता है। इसी चीफ मेकअप मैन का एक सीनियर असिस्टेंट भी होता था, और इसी के नीचे काम करने वाले और लोग भी थे। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, वैसे वैसे कैटेगरी भी नीचे लोअर होती जाएगी। तो ये जो मेकअप मैन, जो एकदम चीफ होता था, हेड होता था इन सब का, उसका एक सीनियर असिस्टेंट होता था हेल्प करने के लिए, एक जूनियर असिस्टेंट होता था, और एक ऑफिस बॉय था। ठीक है, तो ये जो चीफ मेकअप मैन है, इसका काम क्या होता था? ये मेन एक्टर या मेन एक्ट्रेसेस को मेकअप करेगा। ठीक है, तो ये मेन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को मेकअप करता था। लेकिन हमारे जो ऑथर है अशोका मित्रन, वो इसमें और भी ज्यादा सरकेस्टिक हो जाते हैं। कहते हैं कि ये जो चीफ मेकअप मैन था ना, इसका काम ये था मेकअप डिपार्टमेंट में, मतलब ये नंबर वन पे था, जो चीफ मेकअप मैन था। पहले इसको कौन रूल कर रहा था? एक बंगाली, ठीक है। फिर बाद में कौन आ गया? एक महाराष्ट्रन आ गया, जो हमने पहली वीडियो में बात करी थी। ठीक है, तो ये जो चीफ मेकअप मैन होता था, ये चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस को अगली बनाता था। अब याद करो वही लाइन कि इन लोगों को अगली इसलिए बनाया जाता था ताकि ये मूवी में स्क्रीन पर प्रेजेंटेबल लगे। ओके, अब आगे बात करते हैं सीनियर असिस्टेंट की। सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो को या जो हेल्पिंग हीरो होते हैं उनको मेकअप करते थे। जूनियर असिस्टेंट मेन कॉमेडियंस को मेकअप करते थे। ऑफिस बॉय, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्राउड को मेकअप करता था, जो पीछे नाच गाने वाले होते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेन हीरो हो गया सलमान खान, हीरोइन हो गई कैटरीना कैफ। तो क्या करते थे? चीफ मेकअप मैन जो होते थे वो सलमान खान को एंड कैटरीना कैफ को मेकअप करेंगे। ठीक है, फिर सीनियर असिस्टेंट क्या करेंगे? सेकंड हीरो को मेकअप करेंगे। अब सेकंड हीरो में जैसे इस हीरो का कोई मेन ब्रदर लगा लो या कोई सिस्टर लगा लो, समझ में आ गई बात? तो जो एक सब्सिडरी एक्टर होता है, जो सेकंड एक्टर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही जूनियर आर्टिस्ट में जो कॉमेडियन हो गए, अब फिल्म में कुछ फनी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे जॉनी लीवर टाइप्स, कपिल शर्मा टाइप्स, ठीक है, इस तरीके के, क्या कौन हो गए? वो जूनियर असिस्टेंट हो गए। कपिल शर्मा तो नहीं आते मूवीज में, बट आई डोंट नो, मतलब मैं इतनी इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहती, बट आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, राइट। जैसे जॉनी लीवर हो गए या और भी जो कॉमेडियंस हो गए जिनको हम फन फैक्ट्स के लिए रखते हैं, उनको मेकअप करने वाले लोग होते थे जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है जो मेन एक्टर के पीछे क्राउड होता है, जिसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं, उनका मेकअप करने के लिए ऑफिस बॉय था। ओके जी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान रखना है। तो पहले चीफ मेकअप मैन, सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट एंड देन ऑफिस बॉय। ओके, तो अगर हम मेकअप डिपार्टमेंट की बात करें, उन दिनों में जेमिनी स्टूडियो में मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय भी होता था। ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा कमेंट है जिससे हमें यह पता चलता है कि उस टाइम पर जेमिनी स्टूडियो कितना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, मतलब इतना ज्यादा फ्लरिश कर रहा था कि मेकअप डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय था मेकअप करने के लिए क्राउड को। अब
ऑफिस बॉय का मतलब क्या होता है, हम ऐसा नहीं कहते ए छोटू पानी ला, ए छोटू चाय ला, है ना, जो आपका एक्स्ट्रा काम करता है, जैसे जो चाय वाय पकड़ाने वाले होते हैं उन्हीं को तो हम ऑफिस बॉय कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जेमिनी स्टूडियो उस टाइम पर इतना एफ्लुएंट था या इतना फ्लरिश हो गया था कि उन दिनों भी मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय था जो क्राउड को मेकअप करता था। ओके, तो ये क्राउड शूटिंग के टाइम पर इसकी जरूरत होती थी। यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन जायंट वेसल, वेसल का मतलब होता है एक बहुत बड़ा सा बर्तन। मिक्सिंग हिज पेंट, पेंट को सरकेस्टिकली यूज किया गया है मेकअप को बताने के लिए। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। फिर आगे बताया गया कि ये जो ऑफिस बॉय है ना, इसको क्राउड को मेकअप लगाना होता है। अब क्राउड पे तो किसी का ध्यान नहीं होता है, तो क्या करता था ये बहुत सारा ऐसे पेंट उठाता। पेंट का मतलब वही प्रॉपर, मतलब उनको गोरा चिट्टा सा बनाने के लिए, उनके पोर्स वगैरह बंद करने के लिए, ताकि वो थोड़े से प्रेजेंटेबल लगे क्राउड। तो बहुत सारा ऐसे मेकअप उठाता, बड़े से वेसल में, बर्तन में डालता और ऐसे घोलता, उसको मिक्स करता। जैसे कि आपने देखा होगा दीवारों पर हम पेंट करते हैं, उसमें कितने बड़े बर्तन में वो घोलते हैं पूरा, ठीक है। वैसे ही ये ऑफिस बॉय क्या करता था, क्राउड को मेकअप करने के लिए ये लिटरली पेंट को, मतलब मेकअप को, यहां पेंट एक्चुअली दीवारों वाला पेंट नहीं है, मेकअप को बोला गया सार्केस्टिकली, बहुत बड़े वेसल में मिलाकर उसको मिक्स करता था एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड। अब स्लैपिंग का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे यू कर करके पोतना, है ना, मेकअप यू कर करके पोतना, ऐसे प्यार से नहीं, बस ऐसे ही कि फटाफट से लगाना ऐसे। तो मेकअप एक तरीके से ऐसा पोतना, हार्श तरीके से, राइट, ऐसे चांटा मार के नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे लाइक यू नो पैट करना। द आइडिया बिहाइंड दिस टू क्लोज द पोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस। लेकिन ये इतना सारा पेंट पोतता क्यों था उनके मुंह पे ऑफिस बॉय, क्योंकि इनका मेन आइडिया ये होता था कि मूवी में स्क्रीन पर कहीं भी इन लोगों के फेस के पोर्स भी ना दिखाई दे, कोई दाग धब्बा ना दिखाई दे, ठीक है। अब आगे ना ऑफिस बॉय के बारे में बताया गया है कि ये एक्चुअली था कौन। यहां तो इसके काम के बारे में बताया गया है कि इसका काम क्या होता था, क्राउड को मेकअप करना। कैसे मेकअप करता था, शूटिंग टाइम पर ये लिटरली पेंट को बड़े से बर्तन में घोलता और स्लैप करता उनके फेस पर इस मेकअप को, मतलब बुरी तरीके से लपेट देता था मेकअप, ठीक है। और काम क्या था इसका, उनके पोर्स को क्लोज कर देना। लेकिन ऑफिस बॉय एग्जैक्टली था कौन, बॉय वर्ड से लगता है कि शायद कोई लड़का होगा, ठीक है, आई मीन 20s में कोई होगा, बट नो, He wasn't exactly boy. हाँ, वो ऑफिस बॉय था, बट उसको ऑफिस बॉय इसीलिए नहीं कहा जा रहा था क्योंकि वो 20-25 साल का लड़का था, नहीं। तो यहां इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हम ऑफिस बॉय किसको कहते हैं, जो प्योन सा काम, प्योन वाला काम करते हैं, या जिन जो एक्स्ट्रा छोटा मोटा काम कर देते हैं, चाय पानी लाने वाला, उनको हम ऑफिस बॉय कहते हैं, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। तो यहां पर भी ये बताया गया ये ऑफिस बॉय ये नहीं था कि भाई इसकी एग्जैक्टली कोई बॉयश एज थी, नहीं, ये इनफैक्ट अपने अर्ली 40s में था। अर्ली 40s का मतलब 40 से 45 के बीच में था। ही एंटर्ड द स्टूडियोज इन होप। अब ये ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियो में आया क्यों था, ये बहुत बड़ा रीजन है। ये ऑफिस बॉय जेमिनी स्टूडियोज में इसलिए आया था, एक होप लेकर, ये सोचता था मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा और एक स्टार एक्टर बनूंगा, लेकिन अगर मैं एक बहुत बड़ा स्टार एक्टर नहीं बना तो मैं काम करूंगा, मैं राइटिंग शुरू कर दूंगा और एक मैं ऐसा राइटर बनूंगा, स्क्रीन राइटर, ऐसी कहानियां लिखूंगा टॉप लेवल की, तो मैं टॉप स्क्रीन राइटर बनूंगा। अच्छा, अगर वो नहीं तो क्या पता मैं डायरेक्टर बन जाऊं वहां पर, और वो नहीं तो मैं लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा, मतलब मैं गाने कंपोज कर दिया करूंगा। तो तुमने एक चीज देखी कि ऑफिस बॉय की कहानी कितनी आयरनिकल है, आयरनिकल है कि ये आया तो काम करने बहुत बड़ा बड़ा था कि मुझे एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, मुझे स्क्रीन राइटर, मुझे लिरिक्स राइटर, डायरेक्टर, पता नहीं क्या क्या बनना है, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये क्राउड को मेकअप कर रहा है। तो कितनी बड़ी आयरनी दिखाई है इस चीज के पीछे। बट अशोका मित्रन इसकी बात को खत्म करते हुए कहते हैं ही वॉज बिट ऑफ अ पोएट, मतलब कहीं ना कहीं अशोका मित्रन हमें बता रहे हैं हाँ, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसके अंदर कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत ये पोएट था। अशोका मित्रन कहते हैं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही टैलेंटलेस आदमी था, क्राउड को मेकअप करने के अलावा इसको एक हल्की सी चीज जो आती थी वो ये थी कि थोड़ा बहुत पोएट, मतलब थोड़ी बहुत लिखना जानता था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, इसलिए बिट ऑफ अ पोएट लिखा है।
अब आगे बात करी गई है कि असोका मित्रन क्या काम करते थे इस जेमिनी स्टूडियोज में, ठीक है। वो कहते हैं इन दोज डेज, मतलब उन दिनों में एक क्यूबिकल में काम करता था। अब क्यूबिकल कैसे होते हैं, मतलब आपका एक कैबिन होता है, मैं फोटो भी लगा दूंगी अभी पढ़ाते पढ़ाते। और उस क्यूबिकल में फ्रेंच विंडोज थी और मुझे पता भी नहीं था कि इन विंडोज को फ्रेंच विंडोज कहते हैं। अब आप भी सोचोगे फ्रेंच विंडोज क्या होती है, वो मैं अभी स्क्रीन पे लगाऊंगी आप समझ जाओगे। तो फ्रेंच विंडोज ऐसी होती है कि नीचे लकड़ी का फट्टा होता है ऐसे, और उसके ऊपर शीशे के विंडोज होती है, ठीक है। और सबके ऐसे अलग अलग कैबिन बने हुए होते हैं, तो उसका भी एक ऐसा ही क्यूबिकल था जिसमें फ्रेंच विंडोज थी। और उस टाइम पर असोका मित्रन को पता भी नहीं था भाई इनको फ्रेंच विंडोज कहते हो, तो बाद में पता चला उनको जब थोड़ा सा इनको, हाँ मतलब ये आगे और बढ़े जिंदगी में। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टियरिंग अप न्यूज पेपर मोस्ट पीपल थॉट दैट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था कि असोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करते थे, कि न्यूज़पेपर कटिंग करते थे। कटिंग कर करके बस काम ही यही था, कटिंग करी फाइल में रिकॉर्ड रख दिया, कटिंग करी उसको स्टोर करके रख दिया आगे के लिए, ठीक है, अचीवमेंट्स को स्टोर करके। जैसे आपके स्कूल में है, आपने कभी नोटिस करा होगा आपकी एक मैगजीन बनती होगी, स्कूल की एल्बम बनती होगी, आपके जितने भी मेमोरीज है, एनुअल फंक्शन हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स डे हुआ, कोई और फंक्शन हुआ, कोई कॉम्पिटिशन हुआ, उन सबकी क्लिपिंग्स को काट के एक फाइल में सेव कर दिया जाता है, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करा जाता है ताकि वो स्टोर रहे। तो इसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कट कट करके स्टोर करता था एक फाइल में। लेकिन यहां हमें ये बता रहे हैं कि मैं जो काम करता था वो लोगों को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मतलब मेरा काम लोगों को ना के बराबर लगता था। और कभी कभी मुझे भी ये महसूस होने लगा था दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। बॉस कौन है, एसएस वासन, मतलब एसएस वासन को, बॉस को भी ये लगता था, जेमिनी स्टूडियो का बॉस था ना एसएस वासन, उसको भी ये लगता था कि शायद मैं कुछ काम नहीं करता हूं। तो यहां पर ये बात क्यों बोल रहे हैं, यहां पर ये एक्चुअली एसएस वासन के बारे में नहीं बोल रहे कि वो पक्का वही सोचता था, एसएस वासन के बारे में ये बोल रहे हैं कि सब लोगों को लगता था कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं। तो इससे मुझे कभी कभी ये फीलिंग आने लगी थी कि पक्का इस स्टूडियो के बॉस भी यही सोचते होंगे कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं। सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल। बार्ज का मतलब बिना परमिशन के किसी के टेरिटरी में एंटर कर जाना, ठीक है। जैसे कि आप अपनी क्लास में जब एंटर करते हो, यू मस्ट हैव आस्क्ड अ टीचर, राइट, मे आई कम इन मैम, राइट। तो यू कैन नॉट लिटरली गेट इनसाइड विदाउट हर परमिशन। तो इसीलिए यहां पर एक तरीके से वही चीज बताई है कि भाई वो मेरी परमिशन भी नहीं लेते थे आने में, बल्कि वो क्या करते थे, अगर किसी को ये लगता था ना कि मुझे कुछ काम देना चाहिए, ऑक्यूपेशन मतलब मुझे कुछ काम देना चाहिए, तो वो मेरे क्यूबिकल में बार्ज कर जाया करते थे, मेरे से परमिशन भी नहीं लेते थे, राइट। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों को लगता था मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, और इसी वजह से इनको लगता था अरे कुछ नहीं कर रहा तो कम से कम इसको काम दे दो आके, तो मेरी बिना परमिशन के मेरे क्यूबिकल में आते थे और मुझे काम देकर चले जाते थे, डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और जो भी उनको लेक्चर देना है, जो भी बातें करनी है, वो मेरे को दे के चले जाया करते थे। अब लेक्चर कैसा, लेक्चर या तो काम का या फिर थोड़ा इस तरीके की बातें कि हम ऑफिस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, जेमिनी स्टूडियो कैसा है कैसा नहीं है, गॉसिपिंग्स एंड ऑल, जो कि आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि ऑफिस बॉय भी कई बार ऐसी बातें किया करता था हमारे ऑथर के साथ। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड दैट आई शुड बी एनलाइटन्ड, एनलाइटन्ड दैट मीन्स अवेयर करना। So, अब वो कहते हैं द बॉय इन मेकअप डिपार्टमेंट, मतलब जो ये ऑफिस बॉय है, ये हैड डिसाइडेड, इसने डिसाइड किया हुआ था दैट आई शुड बी एनलाइटन्ड, कि मुझे कुछ ज्ञान मिलना चाहिए किस बारे में, मतलब मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए किस बारे में, हाउ ग्रेट लिटररी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन डिपार्टमेंट फिट फॉर बार्बर्स एंड पर्वर्ट्स। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। यहां पर असोका मित्रन कहते हैं कि ये ऑफिस बॉय ना कई बार ऐसे डिसाइड करता और मेरे पास आता बातें करने के लिए, और मुझे कहता, मतलब मुझे ये बताना चाहता था, ये चाहता था कि मैं इस बारे में जानूं कि हम एक ऐसी जगह काम कर रहे हैं और उसका जो लिटरेरी टैलेंट है, किसका लिटरेरी टैलेंट, याद रखना ये चीज, ऑफिस बॉय का। अब आप कहोगे कि लिटरेरी टैलेंट का मतलब यहां पर ऑफिस बॉय कैसे हो गया, देखो ऑफिस बॉय जब आया था वो किस होप में आया था, वो स्टार बनेगा, राइटर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा,
और लिरिक्स राइटर बनेगा, ठीक है। तो अब मैं पूरी लाइन समझाऊंगी फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऑफिस बॉय मेरे को जब भी बताता था वो ये कहता था कि मेरे जैसा जो लिटरेरी टैलेंट वाला बंदा है उस टैलेंट को लोगों ने जेमिनी स्टूडियो में कितना वेस्ट जाने दिया है, एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो डिपार्टमेंट बार्बर्स को सूट करता है या परवर्ट्स को फिट इन होता है, मतलब उनको सूट करता है। बार्बर्स बाल काटने वाले, परवर्ट्स का मतलब क्या होता है, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड। मेनली इस वर्ड को यूज किया जाता है फॉर सेक्सुअल बिहेवियर, जो एबनॉर्मल सेक्सुअली बिहेव करते हैं, राइट। बट यहां पर इसका मतलब पता है क्या, यहां पर एक्चुअली परवर्ट्स का मतलब ये है कि वो लोग जिसमें कोई शेम नहीं है या जिनका बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, राइट, नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल बट अनएक्सेप्टेबल एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए यहां पर ये वर्ड यूज किया गया है। अब देखो यहां क्या कहा है एग्जैक्टली इस लाइन में, अभी तो मैंने तोड़ के समझाया था इस लाइन को, अब पूरा बताती हूँ। देखो यहां पर ना ये ऑफिस बॉय ना अशोका मित्रन के पास जाता, लेक्चर देता और उसको ये सब बातें वो क्यों बताता था, क्योंकि वो उसे एनलाइटन करना चाहता था अशोका मित्रन को, मतलब उसे ज्ञान देना चाहता था कि देखो मेरे जैसा लिटरेरी टैलेंट जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, एक ऐसे डिपार्टमेंट में जो बार्बर्स एंड पर्वर्ट्स के लिए है, और मेरे जैसे एक ऐसे इंसान को जिसको बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं कहाँ क्राउड को मेकअप करता हूँ, मेरे जैसे इंसान के टैलेंट को जेमिनी स्टूडियो कितना वेस्ट जाने दे रहा है, मतलब मुझे राइटिंग सेक्शन में होना चाहिए, मुझे पोएट्स के ग्रुप में होना चाहिए, और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे नीचे हूँ रैंक पे, क्राउड को मेकअप कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतना टैलेंट कूट कूट कर भरा है और मेरे टैलेंट को जेमिनी स्टूडियो ने वेस्ट जाने दिया, एक ऐसे डिपार्टमेंट में मैं काम करके अपने लिटरेरी टैलेंट को वेस्ट कर रहा हूँ, वो डिपार्टमेंट जो बार्बर्स एंड परवर्ट्स को ही सूट करता है। Soon I was praying of crowd shooting, nothing short of it could save me from his epics. यहाँ पर बोला गया, अशोका मित्रन कहते हैं यार वो सारा दिन यही बातें करता रहता था, तो मैं ना जल्द ऐसे प्रे करने लग गया कि यार प्लीज शूटिंग हो जाए, क्राउड शूटिंग हो जाए, क्योंकि जब क्राउड शूटिंग होगी तो क्राउड को मेकअप लगाने के लिए ऑफिस बॉय बिजी रहेगा। तो यहाँ पर अशोका मित्रन कहते हैं मेरे बिल्कुल कान खा जाता था भाई ये बातें करते करते ना, तो इसलिए मैं प्रे किया करता था कि क्राउड शूटिंग हो जाए, क्योंकि नथिंग शॉर्ट ऑफ इट का मतलब इससे ज्यादा, मतलब क्राउड शूटिंग से ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे उसके एपिक्स से बचा सके। एपिक्स का मतलब लेंदी कहानियां। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अब यहां पर जनरल बात करते हैं अशोका मित्रन, कहते हैं जब भी हमें कोई फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन के ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो, कोई इंस्टेंसेस हो, कोई एग्जांपल हो, यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली। ओपनली का मतलब डायरेक्ट, कोवर्टली का मतलब हिडन तरीके से, मतलब जेलस, अंदर ही अंदर जेलस। तो यहां पर यह बताया गया कि अगर हम जनरली देखें ना, हम सबको जब भी फ्रस्ट्रेशन होती है ना काम के जगह पे, कहीं हम अगर काम कर रहे हैं तो उसके पीछे ना हमेशा हमारा एक गुस्सा एक सिंगल आदमी के लिए होता है, एक सिंगल इंसान के लिए होता है, मतलब जहां हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली सी बात है हमें जेलसी होती है, तो वो जो हमें जेलसी होती है ना, जो गुस्सा आता है वो एक इंसान के लिए जरूर होता है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि ये नॉर्मल सी चीज है, जब भी हमें फ्रस्ट्रेशन आता है और हमारा गुस्सा एक ही इंसान के लिए होता है, या तो वो गुस्सा ओपन हो सकता है या वो जेलसी हिडन हो सकती है। एंड द मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वूज इग्नोमिनी एंड नेगलेक्ट वर ड्यू टू कोथा मंगलम सुबु। एक और कैरेक्टर आ गया। अब वो यहां पर क्या कह रहे हैं, अशोका मित्रन कह रहे हैं कि यस, हम लोगों को क्या होता है जनरली कि गुस्सा काम, मतलब अगर सपोज करो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें एक इंसान उसके पीछे दिखेगा, इसकी वजह से नहीं बढ़ पा रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी वजह से। तो यहां पर भी अशोका मित्रन कह रहे हैं कि ऑफिस बॉय को भी यही लगता था, और उसकी जिंदगी में वो जो आदमी था वो कौन था, कोथा मंगलम सुबु, मतलब इस ऑफिस बॉय को, द मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट मतलब ऑफिस बॉय। यहां पर मैन किसकी बात हो रही है, ऑफिस बॉय की, कि ऑफिस बॉय ने ये कन्विंस्ड कर लिया था, मतलब ये मान लिया था कि जो भी उसकी वूज, मतलब जो भी उसके साथ बुरा हो रहा है, जो भी इग्नोनिमी मतलब जो भी पब्लिक शेम उसे मिल रहा है, या जो उसकी इंसल्ट हो रही है, या फिर जो उसका नेगलेक्ट, या जो उसके टैलेंट को जेमिनी स्टूडियो में नेगलेक्ट किया जा रहा है,
वो क्यों हो रहा है, सिर्फ एक इंसान की वजह से, कोथा मंगलम सुबह, समझ गए। तो ऑफिस बॉय को ये लगता था सिर्फ इसी इंसान की वजह से मुझे शेम मिलती है, इसी इंसान की वजह से मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना जा रहा। अब ये सब बातें बताकर अशोका मित्रन थोड़ा सा कंपेयर करते हैं ऑफिस बॉय एंड सुबू में, और फिर सुबू का ही कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा कंपेयर किया गया है। अशोका मित्रन कहते हैं, अब सुबू के बारे में बताते हैं कि सुबू कौन है। सुबू जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जिस तरीके से मेकअप डिपार्टमेंट की ये हायरार्की है, इसी तरीके से राइटिंग की भी, राइटर्स की भी, पोएट्स की भी हायरार्की थी। सबसे नंबर 1 पे था बोस, जिसका नाम क्या था, एसएस वासन। दूसरे नंबर पे कौन था, कोथा मंगलम सुबू। सोचो कि ये राइटर्स का सेक्शन है, ये पोएट्स का सेक्शन है, सॉरी ये मेकअप का सेक्शन है, तो मेकअप डिपार्टमेंट में ये सबसे लोअर रैंक वाला इंसान इस इंसान से चिढ़ता था, जिसका कोई लेना देना नहीं है इससे, ये अपना काम बैठ के कर रहा है। ये ना एक्चुअली कोथा मंगलम सुबू, ये इस बॉस का राइट हैंड था, ये लगा लो आप, बहुत लॉयल इंसान था ये। तो कोथा मंगलम सुबू जो है जेमिनी स्टूडियोज में नंबर 2 पर था। ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड। अब यहां पर वो कहते हैं अशोका मित्रन कि अगर मैं सुबू की बात करूं ना, सुबू का जो करियर है, क्योंकि सुबू ना जेमिनी स्टूडियोज में बहुत पुराना है और ये काफी बड़ा भी है ऑफिस बॉय से, तो जब इसने अपना करियर शुरू किया था सुबू ने, तो सुबू का करियर कुछ ज्यादा एनकरेजिंग तरीके से शुरू नहीं हुआ, अगर हम कंपेयर करें मेकअप बॉय के टाइम पीरियड में। क्यों, अब ऐसा क्यों बोला इन्होंने, ये बहुत बड़ी चीज। ये इसलिए बोला अशोका मित्र ने कि मेकअप बॉय जो ये था, जो ये ऑफिस बॉय था, इसने उस टाइम पर जेमिनी स्टूडियो ज्वाइन करा जब जेमिनी स्टूडियो फ्लरिश कर रहा था, जब ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी। लेकिन हमारे सुबू ने तब जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन किया था जब जेमिनी स्टूडियो कुछ था नहीं, लेकिन इसने बहुत इसको ऊपर लाया है। कहने का मतलब है कि जब आपके सामने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती ना, तो क्या होता है कि आप ना ग्रो करने में टाइम लगाते हो, लेकिन जब आपको स्टार्टिंग में ही ऐसी एनकरेजिंग सी वो मिल जाए कि हाँ भाई सामने अपॉर्चुनिटी है, मतलब जैसे मैं ये ऑफिस बॉय, ठीक है अगर इसके अंदर टैलेंट होता तो ये मेकअप डिपार्टमेंट में होता ही क्यों, लेकिन ऑफिस बॉय को लगता है ना कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ही वॉज काइंड ऑफ स्नोबिश, राइट। तो मेकअप डिपार्टमेंट में जो ये ऑफिस बॉय लोअर रैंक पे है, इसने तब जेमिनी स्टूडियो को ज्वाइन करा था, सोचो, लेकिन उस टाइम पर जेमिनी स्टूडियो कुछ था नहीं ना जब सुबू ने ज्वाइन करा, तो इसलिए सुबू की जो करियर की शुरुआत थी वो इतनी एनकरेजिंग नहीं थी जितनी मेकअप बॉय की थी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैम ऑफिस बॉय की किस तरीके से एनकरेजिंग करियर हो गया, ये तो क्राउड को मेकअप करता था। बच्चे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इसका करियर क्या है उसका करियर क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑफिस बॉय उस टाइम पीरियड से आता था जब बहुत चीजें डेवलप हो गई थी, लेकिन सुबू ने उस टाइम पर अपने करियर की शुरुआत करी थी जब चीजें फिल्म इंडस्ट्री में स्टैब्लिश हुई भी नहीं थी। तो जब चीजें स्टैब्लिश नहीं हुई होंगी तो अपॉर्चुनिटीज भी कम होगी, लेकिन फिर भी सुबू दूसरे नंबर पे आ गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसी के अगर कॉन्ट्रेरी बात करें, ही मस्ट हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर। देयर वर नो फर्मली स्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। और इसके अलावा यहां पर फिर से अशोका मित्रन सुबू की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सुबू ने ना ऐसे टाइम पर अपने करियर की शुरुआत करी थी जिस टाइम पर चीजें काफी ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हुई थी, मतलब नो स्टैब्लिश्ड फर्म वॉज देयर, ऐसी कोई स्टैब्लिश्ड कंपनी नहीं थी, कोई स्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं थी। तो सुबू ने ज्यादा अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जब करियर में आप वो ना हो पाओ, क्या कहते हैं, स्टेबल ना हो पाओ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पक्का सुबू ने भी अपने टाइम पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम निकाला होगा, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फेस करी होगी, क्योंकि जब सुबू ने अपना करियर शुरू करा था उस टाइम पर कोई स्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी तो थी ही नहीं, ठीक है। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, वो भी फॉर्मल एजुकेशन। फिर ये कहते हैं अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें ना, तो सुबू जो है
he could not have had an appreciable lead over our boys. कि अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो ऑफिस बॉय ना ज्यादा पढ़ा लिखा था, सुबुक कम पढ़ा लिखा था. फिर अगेन यहां पर अशोका मित्रन कहते हैं कि देखो ये इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसके सामने अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, स्टैब्लिश्ड एक कंपनी में आया था, फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी में, फिर भी ये यहां है. सुबू को देखो, फॉर्मल एजुकेशन भी उतनी ज्यादा नहीं थी, उस टाइम पे करियर शुरुआत करी जब डिफिकल्ट टाइम था, कोई स्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं थी, फिर भी ये इंसान दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है. ओके, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न इन ब्राह्मिन, वर्च्यू इंडीड, देखो यहां पर एम्फेसाइज करा है, कहते हैं लेकिन 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 कोथा मंगलम सुबू की जिंदगी में एक बहुत बड़ा वर्च्यू, मतलब बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग था, वो ये था कि वो ब्राह्मिन्स की फैमिली में पैदा हुआ. अ वर्च्यू इंडीड, क्यों कह रहे हैं ये लाइन, कि उन दिनों में ब्राह्मिन्स के घर में पैदा होना एक ब्लिसफुल चीज थी, एक ब्लेस्ड चीज थी. क्यों कहा है ये चीज, कहीं ना कहीं कास्टिज्म शो कर दिया है अशोका मित्रन ने, कि ब्राह्मिन्स को ऊपर रखा जाता था हायरार्की में. शायद ये रीजन हो सकता है कि हायरार्की में ये इसीलिए ऊपर है. देखो यहां भी अगेन कास्टिज्म की बात कर दी, कि ऑफिस बॉय शायद नीचे इसलिए क्योंकि इसकी कास्ट लोअर थी, और सुब्बू इसीलिए ऊपर है क्योंकि उसकी कास्ट हायर लेवल पे मानी जाती थी. ब्राह्मिन्स को उस टाइम पर काफी ज्यादा ऊपर माना जाता था. सो ही मस्ट हैव हैड More affluent situations and people. Affluent situation का मतलब खूब पैसा या exposure मिलना. I'm sorry. Exposure. Affluent people का मतलब rich लोग. अब इस line का मतलब क्या है? इस line का मतलब ये है कि no doubt सुबू को office boy से ज्यादा opportunity मिली होंगी. अगर हम दोनों का compare करें तो office boy के पास अपॉर्चुनिटी थी, वो आगे बढ़ सकता था. दूसरा, इसके पास फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा थी, लेकिन हमारा सुबू जो है कम पढ़ा लिखा था. बट इसके साथ चीज ये भी हो सकती है कि शायद ये ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ इसलिए ये इतना ऊपर बढ़ गया, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि उसको शायद एक्सपोजर ज्यादा मिला, शायद हमारे ऑफिस बॉय को एक्सपोजर उतना नहीं मिला होगा. तो हमारे जो कोथा मंगलम सुबू है, शायद इसको एक्सपोजर मिला एफ्लुएंट सिचुएशंस में बैठने का, उठने का, एफ्लुएंट लोगों के साथ बैठना उठना, एक्सपोजर मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, ठीक है. तो ब्राह्मिन्स के पास सारे गेटवेज खुले हुए थे, लेकिन लोअर कास्ट वालों के लिए नहीं थे. तो अगेन बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर अशोका मित्रन ने यहाँ पर बात करी है. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सुबू के बारे में. कोथा मंगलम सुबू का एक प्रॉपर पेज बकायदा लिखा हुआ है, पूरा उसके बारे में ऐसे एसे टाइप्स लिखा हुआ, इतना बड़ा उसका एक ही पूरा पेज दिया हुआ है, तो वो हम कल वाली वीडियो में करेंगे. तो आज हमने बात किसके बारे में करी, कि मेकअप डिपार्टमेंट में कैसे हायरार्की थी. फिर हमने देखा कि कौन किस किस को मेकअप करता था. ऑफिस बॉय के बारे में बात करी, ऑफिस बॉय का काम देखा, ऑफिस बॉय के बारे में ये देखा कि एक्चुअली वो ऑफिस बॉय नहीं था. No, he wasn't actually a boy. He was in his early 40s. Office boy तो इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये काम ऐसा करता था कि भाई क्राउड को मेकअप करना. तो जो लोअर रैंक के लोग होते हैं ना, जो मतलब लोअर रैंक इन द सेंस ऑफिस में, जैसे मैंने अगेन वो बोलूंगी चाय पानी लाने वाले लोगों को हम ऑफिस बॉय कहते हैं, तो इसको भी ऐसे ही कंसिडर किया जाता था. फिर अशोका मित्रन की बात करें तो इनका काम क्या था, न्यूज पेपर वगैरह कटिंग करना, कि लोग मानते थे इसका काम कुछ नहीं है, तो जिसको भी मन करता था इसको काम दे दिया जाता था, वो आकर इसको काम दे देता था. फिर ये बताया गया है कि किस तरीके से ऑफिस बॉय कोथा मंगलम सुबू को पका दिया करता था अपनी बातें बता बता करके, मेरे जैसे लिटरेरी टैलेंट को कैसे वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ नहीं, मुझे तो यहाँ होना चाहिए, इस तरीके से ऑफिस बॉय बात करता था. फिर आगे बताया कि वो ना अपने यहाँ होने का, ऑफिस बॉय ये सोचता था भाई मैं यहाँ अगर लोअर रैंक पे हूं ना, इसके पीछे एक ही इंसान है और वो है कोथा मंगलम सुबू. फिर नया कैरेक्टर आया था अशोका मित्रन ने, नए कैरेक्टर के बारे में एक और चीज मैं बताऊंगी. दोनों ही पॉइंट को यहां पर अशोका मित्रन ने टच किया. एक तरफ तो ये कहा है कि ऑफिस बॉय जो है ना वो शायद ज्यादा पढ़ा लिखा था, वो टैलेंटेड हो सकता था, वो अपॉर्चुनिटीज अच्छी ग्रैब कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया, शायद उसी में कुछ कमी होगी. दूसरा ये भी बता दिया कि शायद
कोथामंगलम सुब्बू ज्यादा टैलेंटेड था, कम एजुकेशन होने के बावजूद भी उसमें इतना टैलेंट था कि वो आगे बढ़ जाए। फिर साथ साथ ये भी बता दिया कि अशोका मित्रन ने ये भी बोला कि शायद कोथामंगलम सुब्बू अपने ब्राह्मण बैकग्राउंड की वजह से, एक ऐसे स्पेशल कास्ट में पैदा होना, इस वजह से उसको आगे प्रोग्रेस मिली हो। ठीक है, तो दोनों चीजों में एक कहीं ना कहीं ऑफिस बॉय की कमी भी बता दी, अच्छाई भी बता दी, ऐसे ही सुबू की कमी भी बता दी, अच्छाई भी बता दी, दोनों का टैलेंट बता दिया और दोनों को ये भी बता दिया कि इसके पास ये ब्लिसफुल चीज हो सकती है तो उसके पास वो थी। तो इसके पास ब्लिसफुल चीज क्या थी, ब्राह्मण की उसमें पैदा होना, और इसके पास क्या थी कि इसकी फॉर्मल एजुकेशन ज्यादा थी। ओके, आई नो मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी हैं, बट बच्चे वही बात है कि अगर मैं आपको सिर्फ समरी दे दूंगी, चैप्टर नहीं समझ में आएगा, डिटेल में पढ़ना है ना, तो बस इसी तरीके से पढ़ो। ठीक है, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।